नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और चर्चा एक बार फिर से बंगाल पे होगी क्योंकि 24 घंटे में ही ममता बनर्जी की अकल टूट गई है और जो ममता बनर्जी खुद सड़कों पर थी और बेटी को न्याय देने की जगह न्याय मांग रही थी, अब वही ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं सिर्फ 24 घंटे, क्योंकि जब से ममता के साथ विभत्स घटना हुई उसके बाद बंगाल में बवाल है और देश सवाल कर रहा है ममता बनर्जी से कि आखिर बेटी को न्याय कब मिलेगा। ऐसे में ममता बनर्जी का प्रशासन, जिसके हेड विनीत गोयल हैं, वो डरा रहे थे कि ट्वीट करोगे तो ठीक कर देंगे, डॉक्टरों को डरा रहे थे प्रदर्शन करोगे तो करियर बर्बाद कर देंगे। 42 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया एक चुटकी में, लेकिन ममता बनर्जी अब बैकफुट पर हैं और 24 घंटे में ही जो 42 डॉक्टरों का ट्रांसफर किया गया था उनको रद्द कर दिया गया और अब ममता हाथ जोड़कर माफी मांग रही कि गलती हो गई, अब आप लोग का ट्रांसफर नहीं होगा। पंकज जी, डर में है ममता बनर्जी पहली बार सड़क पर खुद और अपने ही फैसले वापस ले रही। ममता बनर्जी ने एक और बात कही है पिछले 24 घंटे में कि बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट करना चाहते हैं मेरा। अब मैं इसे जोड़ता हूं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना से दो तीन गलतियां हुई थी। एक तो जैसे ही वो चाइना के दौरे से वापस आई, उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि भाई आप स्वतंत्रता सेनानियों को जो दे रहे हैं रिजर्वेशन, उसमें ज्यादातर आवामी लीग के लोग हैं, तो शेख हसीना ने कहा था कि तो क्या मैं रजाकारों को दे दूं। अब रजाकार वहां वैसे लोग थे जो पाकिस्तान के सपोर्ट में थे 1972 में। इसे लेकर एक बेहद रिएक्शन हुआ। रिएक्शन यह हुआ कि मैं भी रजाकार तुम भी रजाकार करके रैलियां निकलने लगी, चीजें हाथ से निकल गई। अब आते हैं बंगाल, कट्टू पश्चिम बंगाल। यहां पहले डॉक्टरों को धमकाया कि तुम प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये लो 42 डॉक्टर, और ज्यादा भभक उठा वो आंदोलन, और सारे लोग आने शुरू हो गए। बोले ये क्या हो गया, बोले कि किस तरह दबाव, पुलिस का इस्तेमाल किया बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश से पहले पुलिस ने बहुत एट्रोसिटीज किया था वहां के लोग, इनकी पुलिस ने एक ट्वीट कर दो नोटिस भेज देंगे, एक विरोध प्रदर्शन कर लो उठा लेंगे। उससे क्या हुआ, और लोग नाराज हो गए और सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ये चीजें अब हाथ से निकलने लगी। ये बात ममता बनर्जी को डरा रही है, उन्हें लग रहा है कि शेख हसीना के हाथों से चीजें निकली, अब मेरे हाथों से चीजें निकल रही हैं, कहीं मेरे साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। हजारों लोगों की भीड़, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम आवास का घेराव कर ले। मेरी पुलिस कैसी है मैं जानती हूं, ये मुझे पता है कि मैं जी बिल्कुल पंकज, स्वास्थ्य सचिव ने सफाई दी है कि अलग अलग जगह पर डॉक्टर काम कर रहे हैं, उन्हें अभी बदलने से व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। हालांकि ये प्रक्रिया घटना के 2 महीने पहले से शुरू हो गई थी ट्रांसफर की, लेकिन स्पेलिंग गलत थी इसीलिए अब ये ट्रांसफर का वक्त आ गया था, लेकिन जब ऐसा मामला आ गया और अब डॉक्टरों का ट्रांसफर करेंगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, इसीलिए वापस ले लिया 42 ट्रांसफरों का जो आदेश था। बिल्कुल सही बात है जी, 2 महीना पहले शुरू हुआ था, स्पेलिंग गलती हो गई, 2 महीना लगे स्पेलिंग ठीक करने में और हम सब बेवकूफ बैठे हैं। मतलब गजब बहाना है यार, कुछ तो एक मैच्योर आदमी की तरह बात करो ना। स्पेलिंग मिस्टेक था, 2 महीना, देखिए वो होता है। अब जब वापस लिया तो क्या कहेंगे कि हम डर के वापस लिया है, तो कुछ ना कुछ तो बहाना कवर अप करेंगे। एक और बड़ी खबर है इसके बीच रोहित, खबर यह है कि पहले चर्चा यह थी कि जो डॉक्टर है उनका जो रेप हुआ है वो सेमिनार हॉल में हुआ है। अब चर्चा ये है कि सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, रेप करने के बाद सेमिनार हॉल में उसे फेंका गया है और रेप वहां पे हुआ है जहां रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया। ये नया इंफॉर्मेशन है जो शुभेंदु अधिकारी ने कल देर रात ट्वीट किया है। अगर ऐसा है, अगर शुभेंदु अधिकारी सही कह रहे हैं कि रेप जहां हुआ वहां पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, हमें तो उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया, बताया गया जहां सेमिनार हॉल था, क्योंकि सेमिनार हॉल में कोई आराम नहीं करता। ये वो हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी वो बोली कि 2:30 बजे लोग सब कलीग्स के साथ खाना खाया और बोली कि तुम लोग चलो मैं 1 घंटे थोड़ा सा पावर नैप लेके आती हूं। पावर नैप लाने के लिए कोई सेमिनार हॉल नहीं जाता, सेमिनार हॉल में बैठ के खा रहे थे, इमरजेंसी वार्ड में गई थी ये पावर नैप लेने के लिए। और वहां पे पूरा तोड़फोड़ करके रिनोवेशन कराया गया। अगर ये सच है जो कि शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं, तो ये पूरे केस को टर्न अप कर देगा
क्योंकि पुलिस ने जानबूझकर, पुलिस के इशारे पर वो रिनोवेशन वर्क हुआ था, पुलिस ने यहां कॉर्डन ऑफ किया है, पुलिस ने कहा है था सबसे पहले कि सेमिनार हॉल में रेप हुआ है। इसका मतलब पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध थी, इन्वर्टेड कॉमा, बकौल शुभेंदु अधिकारी। बिल्कुल पंकज जी, शुभेंदु अधिकारी और इसके अलावा तमाम और वहां के नेता और वहां के ऐसे लोग जो कि इस मामले को देख रहे हैं या इनफैक्ट पत्रकारों से बात की जा रही है, तो कह रहे हैं ये केवल एक मामला नहीं, इसके पीछे बड़ी एक पूरी लॉबी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। अगर पूरा परत दर परत खुल गई और सीबीआई का सहयोग सही से मिल गया, अगर कलकत्ता पुलिस का, तब फिर बड़ा बवाल हो जाएगा, ममता बनर्जी कुर्सी भी जाएगी फिर। एक बात आपने गौर किया है, एक बात गौर किया है, कल दिन भर उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाकर सीबीआई ने रखा, पूछताछ उससे होती रही, कुछ जानना चाहती थी सीबीआई, जो कि एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जो घोष है वो नहीं बता रहा था ये। और वो पूरा मामला ऐसा नहीं है कि उससे घोष से पूछा गया कि आपको पहली बार कब पता चला रेप के बारे में, और इसने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था उस बच्ची के गार्जियन को कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है, जबकि हकीकत यह था कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल जो वहां पे थे उन्होंने फोन किया था इस घोष, यह बात अब साफ है। ये जो प्रिंसिपल है घोष, ये कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहा है, सीबीआई वही जानने की कोशिश कर रही है, इसलिए लगातार रीगर होकर इससे पूछती जा रही है कि सच्चाई बताओ क्या है। क्योंकि मैं बताऊं, एक बात तो तय है कि अकेला उस जो आरोपी मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है संजय राय, उसका काम नहीं है, कुछ और लोग थे उस पूरे रेप कांड के पीछे। चार लोगों का नाम बताया जा रहा है, उसमें से तीन विदेश भाग गए हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं उनका चेहरा नाम अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन उन चार में से सिर्फ एक आदमी है, बाकी तीन भाग गए हैं और उन्हें भगाया गया है, भेजे कोलकाता पुलिस मुझे नोटिस, मैं बताता हूं कौन थे वो। और ये एक तो सामूहिक दुष्कर्म था, गैंगरेप था ये, इसे प्लीज रेप मत कहिए। दूसरी बात कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इस गैंगरेप के बारे में जानकारी थी, इसलिए डे वन से, जिस मोमेंट से उसे जानकारी, उस वक्त से उसने कवर अप शुरू कर दिया। और तीसरी बात, पुलिस के एक छुटभैया हेल्पर को पूरे के पूरे कांड का विक्टिम बनाया गया, क्योंकि पुलिस के लिए काम करता था, कभी भी उसको यूज एंड थ्रो। पुलिस की भूमिका संदिग्ध, क्योंकि अगर भूमिका संदिग्ध नहीं होती तो इमरजेंसी वार्ड में रेप हुआ था जैसा कि दावा किया जा रहा है, उसको वापस सेमिनार हॉल में उसकी लाश को किसने रखा? बिल्कुल पंकज जी, और तमाम सवाल। जब गार्जियन को दिखाया गया तो गार्जियन का बयान है लिखित रूप से कि जब हमें दिखाया गया तो लड़की को कपड़ों से ढका गया था, लेकिन जहां रेप हुआ था, जिस स्ट्रेचर पे जहां वो रेस्ट कर रही थी, वहां परपेंडिकुलर उसकी टांगे दोनों ओर लटकी हुई थी और पेल्विक गर्डल तोड़ा हुआ था उसका। जी तमाम सवाल हैं पंकज जी, और इन्हीं सवालों के बीच ममता बनर्जी अब अपने फैसलों को पलट रही हैं। वो ममता बनर्जी जो कि संदेश खाली हो जाने पर मामला जब हुआ तब उनकी अकड़ नहीं ढीली पड़ी थी और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी, और शाहजहां शेख को बचाने के लिए हर एक प्रयास किया गया था, वो तो केंद्र का इन्वॉल्वमेंट हुआ, शाहजहां शेख को टांग कर दिल्ली लाया गया, वरना किस तरीके से तस्वीरें देखी थी सब सब के सामने थी, उसी तरीके से इस मामले को भी रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन पहली बार ममता बनर्जी के खिलाफ पिछले कुछ सालों में इस तरीके का प्रदर्शन शुरू हुआ है, और जिससे ममता बनर्जी डरी हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टरों का समूह साथ में है, और इसीलिए 42 डॉक्टरों का जो ट्रांसफर ऑर्डर दिया गया था उसे तत्काल प्रभाव से ममता बनर्जी ने निरस्त कर दिया। याद रहे, ममता बनर्जी ही स्वास्थ्य मंत्री हैं बंगाल की। फिलहाल पंकज जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का विशेष आभार। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।